जय हिंद साथियों, आज की वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला सवाल। भारत के किस राज्य में केवल दो ही ज़िले हैं? आपके विकल्प हैं ए गोवा, बी सिक्किम, सी तेलंगाना, डी असम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। आइए देखते हैं अगला सवाल। आगरा शहर को किसने बसाया था? आपके विकल्प हैं ए बाबर, बी अकबर, सी सिकंदर लोदी, डी शेरशाह सूरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिकंदर लोदी। आइए देखते हैं अगला सवाल। ऐसा कौन सा फल है जिसे पकने में 2 साल का समय लगता है? आपके विकल्प हैं ए केला, बी अनन्नास, सी सेब, डी चीकू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनन्नास। आइए देखते हैं अगला सवाल। ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी मच्छर नहीं होता है? आपके विकल्प हैं ए भारत, बी श्रीलंका, सी चीन, डी फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। आइए देखते हैं अगला सवाल। किस देश में पक्षियों के लिए हाथ से घोंसला बनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए भारत, बी श्रीलंका, सी अमेरिका, डी डेनमार्क। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। आइए देखते हैं अगला सवाल। कौन सा पौधा लगाने से घर में सांप नहीं आते हैं? आपके विकल्प हैं ए तुलसी, बी नीम, सी सर्पगंधा, डी नागफनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्पगंधा। आइए देखते हैं अगला सवाल। उत्तराखंड का राजकीय पशु कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए बारहसिंघा, बी भालू, सी नीलगाय, डी कस्तूरी मृग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कस्तूरी मृग। आइए देखते हैं अगला सवाल। पहला फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था? आपके विकल्प हैं ए उरुग्वे, बी अर्जेंटीना, सी ब्राज़ील, डी भारत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए उरुग्वे। आइए देखते हैं अगला सवाल। कौन सा जीव बिना कुछ खाए पिए जीवित रहता है? आपके विकल्प हैं ए चींटी, बी जुगनू, सी मकड़ी, डी मक्खी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जुगनू। आइए देखते हैं अगला सवाल। भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? आपके विकल्प हैं ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। आइए देखते हैं अगला सवाल। कौन सा जानवर पानी में जन्म लेता है? आपके विकल्प हैं ए शेर, बी भालू, सी दरियाई घोड़ा, डी नीलगाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दरियाई घोड़ा। आइए देखते हैं अगला सवाल। बकरी का औसत जीवन काल कितना होता है? आपके विकल्प हैं ए 8 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 14 वर्ष।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 14 वर्ष। आपका अगला सवाल है, प्याज का रस किस बीमारी को ठीक करता है? आपके विकल्प हैं ए बाल झड़ना, बी पथरी, सी खुजली, डी पेट दर्द। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल झड़ना। आइए देखते हैं अगला सवाल, कौन सा पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है? आपके विकल्प हैं ए बरगद, बी पीपल, सी आम, डी अमरूद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीपल। आइए देखते हैं अगला सवाल, भारतीय सेना का दुनिया में कौन सा स्थान है? आपके विकल्प हैं ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी चौथा। आइए देखते हैं अगला सवाल, धरती पर पहले मुर्गी आई थी या अंडा? आपके विकल्प हैं ए मुर्गी, बी अंडा, सी दोनों, डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुर्गी। आइए देखते हैं अगला सवाल, जलेबी गर्म दूध के साथ खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपके विकल्प हैं ए तनाव, बी कमर दर्द, सी चर्म रोग, डी बाल झड़ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कमर दर्द। आइए देखते हैं अगला सवाल, रोटी किस गैस के कारण फूलती है? आपके विकल्प हैं ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी हीलियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। आइए देखते हैं अगला सवाल, लिपस्टिक लगाने से कौन सी बीमारी होती है? आपके विकल्प हैं ए एलर्जी, बी सिर दर्द, डी पेट दर्द, डी एनीमिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एलर्जी। आइए देखते हैं अगला सवाल, रोज़ाना दही खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपके विकल्प हैं ए पथरी, बी डेंगू, सी कब्ज, डी एनीमिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कब्ज। दोस्तों ये है आज का आखिरी सवाल, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आपके विकल्प हैं ए मायावती, बी मीरा कुमार, सी सरोजनी नायडू, डी प्रतिभा पाटिल। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।